नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रीट एग्जाम 2021 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रीट का फॉर्म भरते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, ये बातें हम लेवल 1 BSTC वालों के कर रहे हैं, सेम ही नियम लागू होते हैं BEd में भी। तो दोस्तों देखिए, इसमें सामान्य डिटेल तो सभी हम अपने हिसाब से भरते हैं और लगभग सभी सही भरते हैं, पर इसमें थोड़ा जो ध्यान रखने वाली बात है वो है लैंग्वेज। इसमें अपन को लैंग्वेज चॉइस करना रहता है, और कई मेरे दोस्तों को ये पता नहीं है कि कैसे लैंग्वेज चॉइस करे, कौन सी लैंग्वेज चॉइस करे, और लैंग्वेज चॉइस करते समय क्या ध्यान रखे। तो दोस्तों, इसमें रीट का जो अपन एग्जाम का फॉर्म भरेंगे उसमें लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड आपको अपन को चॉइस करनी होती है, और जो रीट का पेपर लगता है उसमें भी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड आती है, और उसी हिसाब से उसको हल करना रहता है। तो लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर 7 भाषाएं होती है और लैंग्वेज सेकंड के अंदर भी 7 भाषाएं होती है। उनमें से लैंग्वेज फर्स्ट में अपन को एक भाषा चुननी होती है और लैंग्वेज सेकंड में भी अपन को एक भाषा चुननी होती है। तो लैंग्वेज फर्स्ट में जो भाषाएं होती है वो 7 भाषाएं होती है। कौन कौन सी होती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती है। दोस्तों, 7 भाषाएं होती है जो स्क्रीन पे भी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। इन 7 भाषाओं में से अपन को फर्स्ट लैंग्वेज में एक भाषा चुननी है और सेकंड लैंग्वेज में भी एक भाषा चुननी है। दोस्तों, इसका अपन अपने 11वीं 12वीं में सब्जेक्ट क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। अपन कोई भी लैंग्वेज फर्स्ट चुन सकते हैं और कोई भी लैंग्वेज सेकंड चुन सकते हैं। अब बात यह है कि जो सिंधी में पढ़ा हुआ होता है उसे तो हिंदी है कम समझ में आती है, इसलिए वो सिंधी में भरता है। जो उर्दू में पढ़ा हुआ होता है वो उर्दू में भरता है, और जो पंजाबी पढ़ा हुआ होता है वो पंजाबी चॉइस करता है, जो गुजराती पढ़ा हुआ होता है वो गुजराती चॉइस करता है। अब दोस्तों, अपन अक्सर सब दोस्तों लगभग हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत ही पढ़े हुए हैं। अब इसमें अपन इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि अपन फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में से क्या चुने। तो दोस्तों, हिंदी मैं आपको बता दूं, मैंने 2-3 बार रीट का एग्जाम दिया है, फर्स्ट लैंग्वेज अपन को हिंदी चॉइस करनी होती है, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है वो सरल होता है और पेपर में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो भी सरल आते हैं। इसलिए फर्स्ट लैंग्वेज में अपन को हिंदी ही चॉइस करनी है, संस्कृत और अंग्रेजी नहीं चुननी है, क्योंकि संस्कृत और अंग्रेजी जो होती है उसका सिलेबस थोड़ा हार्ड भी होता है और क्वेश्चन भी हार्ड आते हैं। इसलिए फर्स्ट लैंग्वेज में अपन हिंदी चॉइस करेंगे, और सेकंड लैंग्वेज में भी अपन को ये 7 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज चॉइस करनी है। तो सेकंड लैंग्वेज में मेरे जो भी दोस्त हैं अच्छी अंग्रेजी आती है, उनकी अंग्रेजी में पकड़ अच्छी है, तो वो अंग्रेजी चॉइस कर सकते हैं, और जिन दोस्तों को अंग्रेजी नहीं आती वो संस्कृत चुन सकते हैं। दोस्तों, पर यह नहीं कि अपन फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चुने और सेकंड में भी हिंदी ही चुन लिया, ऐसा नहीं होगा। सेकंड में अपन को लैंग्वेज चेंज करनी होगी। फर्स्ट में अगर अपन ने हिंदी चुनी है तो सेकंड में आप संस्कृत या अंग्रेजी में से एक चुन सकते हैं। जिनको उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती आती है वो इनमें से भी चॉइस कर सकते हैं। तो दोस्तों, सेकंड लैंग्वेज के अंदर अपन को जिनकी अंग्रेजी में अच्छी पकड़ है तो अंग्रेजी चॉइस कर लो, बाकी संस्कृत कर लो। सेकंड लैंग्वेज में अगर अपन संस्कृत चॉइस करेंगे तो इसका भी सिलेबस सेकंड लैंग्वेज में सरल होता है और क्वेश्चन भी सरल आते हैं, हम उनको आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी गलती मत करना कि आप कहीं फर्स्ट लैंग्वेज में संस्कृत या अंग्रेजी चुन रहे हो और सेकंड लैंग्वेज में हिंदी चुन रहे हो। इसका सिलेबस भी थोड़ा अलग होता है और वो जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो भी हार्ड पड़ते हैं। इसलिए अपन को लैंग्वेज ये ध्यान रखने की बात है, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी और लैंग्वेज सेकेंड संस्कृत चुननी होती है। दोस्तों, जब अपन एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं तो ये अपन की एक नींव लगाना है, और अगर अपन नींव लगाते समय ही गड़बड़ी कर देंगे तो फिर आगे सफल होने के चांस कम हो जाएंगे। इसलिए अपन को विशेष ध्यान रखते हुए फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकंड लैंग्वेज में आपकी जिस भाषा में पकड़ा अंग्रेजी या संस्कृत में, तो उनमें से एक भाषा चॉइस कर लीजिए। संस्कृत कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप संस्कृत चॉइस करते हो तो इसका सिलेबस भी सीमित है और आराम से आप सिलेबस को पढ़कर तैयार कर सकते हैं। और जिन भाइयों को अंग्रेजी अच्छी आती है तो वो अंग्रेजी भी चॉइस कर सकते हैं। तो दोस्तों, और अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रीट का जो पेपर होता है वो कैसा होता है, कैसे लैंग्वेज आती है, और उसमें अपन को कैसे हल करना रहता है, क्वेश्चन कैसे हल करने रहते हैं, कैसे लैंग्वेज हल करनी रहती है, वो सब मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आप निरंतर तैयारी करते रहिए
और अगले वीडियो में मैं आपको पेपर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। उसके बाद में अपन रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक का वीडियो में डालूंगा, जिन्हें आप पढ़िए, लाभ उठाइए और तैयारी करते रहिए। आपको अच्छा लगे तो उनको भी पढ़ना, साथ में किताबें भी पढ़ते रहिए। कोचिंग वगैरह में अगर जा रहे हो, अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप जाओ कोचिंग में तो कोचिंग में भी पढ़ो, घर पे आके बुक्स भी पढ़ो, और BSTC की जो 1 वीक सीरीज हैं, या आपके पास पासबुक 1 वीक सीरीज जो भी है, उनमें जो अभ्यासाध्याय के क्वेश्चन हैं उनको अपन को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि शिक्षण विधियों के क्वेश्चन अधिकतर उन्हीं में से आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।